Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and this is the 12th lecture of sequences of real numbers जिसमें आज हम study करेंगे Cauchy sequences. क्या होती हैं Cauchy sequences? कैसे उनको represent करते हैं? कैसे किसी भी sequence को prove करते हैं कि whether it is Cauchy or not? तो आज के lecture में हम ये सब कुछ discuss करने वाले हैं. तो please video को last तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो please channel को subscribe कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या डाउट्स आए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. देखिए आज हमने स्टार्ट करना है कॉशी सीक्वेंस का टॉपिक. इससे पहले के लेक्चर में हम कन्वर्जेंस स्टडी कर चुके हैं कि कन्वर्जेंस क्या होती है. कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है? सपोज कीजिए आपके पास एक सीक्वेंस थी ए एन. व्हेन वी विल से दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. ये हमने पढ़ा था डेफिनेशन में. मीन्स ये कहना चाहती है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस होती है ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे आया सपोज कीजिए ए एम, उसके बाद आया ए एन अप टू सो ऑन. तो वो कहता था कि n greater than equal to m के लिए, मतलब कि m के बाद के सारे नंबर्स किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में लाई करते हैं. कि ये जो an होती हैं, ये सीक्वेंसी सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं सारी, है ना. तो इसके बाद के m के बाद के फॉर ऑल n greater than equal to m, कि m के बाद के सारे नंबर l के नेबरहुड में लाई करते हैं, इसका मतलब जो l है वो सीक्वेंस की लिमिट है या फिर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू एल. ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन थी कि कब कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है, है ना. इसके बाद यही था बस इसमें कि ये एन के एम के बाद के सारे नंबर्स किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में लाई कर रहे हैं. मतलब कोई भी एक, जैसे कि हमने एक सीक्वेंस पढ़ी थी वन बाय एन, तो वन वन बाय टू वन बाय थ्री अप टू सोन वन बाय हंड्रेड अप टू सोन वन बाय थाउजेंड. तो ये लगा लो कि अगर m आपने चूज कर लिया थाउजेंड, है ना, तो ए एम मतलब जो थाउजेंड टर्म है उसके बाद के सारे नंबर जीरो के नेबरहुड में आ रहे थे, क्योंकि जीरो क्या है, बन गया इसका लिमिट, बन गई जीरो. जीरो ही लिमिट पॉइंट है. यही लिमिट पॉइंट होता है कि अगर किसी पॉइंट के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स लाई करें वो लिमिट पॉइंट होता है. बट अगर पर्टिकुलर किसी नंबर के बाद के सारे नंबर किसी पॉइंट के नेबरहुड में है तो वो लिमिट होती है, है ना. और सीक्वेंस क्या थी, इसको जीरो को अपनी लिमिट को कन्वर्ज करती है. ओके, तो आज भी जो हमने स्टडी करना है कॉशी सीक्वेंस, ये क्या कहती है कि ए एन कोई सीक्वेंस है आपकी रियल नंबर्स की. तो ए एन को, ए एन इज सेट टू बी कॉशी, उसको हम कॉशी कब बोल देंगे? कॉशी हम उसको तब बोलेंगे अगर ए एन माइनस ए एम, ये हमने बहुत ध्यान से समझना है, ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एन नॉट. यहाँ पे हमने एन ग्रेटर देन एम किया था. सपोज मैं यहाँ पे इसको एन नॉट ही लिख देती हूँ, ठीक है, एन नॉट. इसको हमने एन नॉट मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर को, कि उस पर्टिकुलर नंबर के बाद के सारे नंबर किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में थे. अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इस एन एम ग्रेटर देन एन नॉट, मतलब कि ये भी एक टर्म है सीक्वेंस की, ये भी एक सीक्वेंस की टर्म है, ए एन भी एक सीक्वेंस की टर्म है और ए एम भी एक सीक्वेंस की टर्म है. ठीक है, सपोज कीजिए एन नॉट, ए एन नॉट जो है वो यहाँ पे है. अगर एन नॉट मैंने चूज कर लिया सपोज कीजिए थाउजेंड, ठीक है, वो हम देखेंगे कि इसके बाद की जो सारी टर्म है उनका आपस में डिफरेंस, ठीक है, मॉड ऑफ डिफरेंस ए एन माइनस ए एम, कि इस एन नॉट के बाद की, एन नॉट से कौन कौन बड़ा है, एन भी बड़ा है एम भी बड़ा है. तो वो कह रहा है कि एन नॉट के बाद की जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स का आपस में जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, है ना. तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, कॉशी सीक्वेंस बोलेंगे. बात वही थी, ये कह रहा था कि किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में तो कन्वर्जेंट होती है. ये क्या कह रहा है कि टर्म्स का आपस में जो डिफरेंस है ना वो बहुत कम हो रहा है.
कैसे क्या मतलब हुआ इसका? देखो जैसे कि हमने सीक्वेंस देखी, कौन सी सीक्वेंस है? 1/n सीक्वेंस है। ये क्या सीक्वेंस है? 1/2। क्या है ये? 1 है ना, 0.5, फिर ये क्या आ रहा है? 0.3। इस टाइप से करते 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 यहाँ पे क्या आ गया? 0.01, अप टू सो ऑन 0.001। इस टाइप से करते जाएंगे तो अब यहाँ पे जो टर्म्स आ रही है किसके बाद? 1000 के बाद ले लो। ये जो एन नॉट है ये वेरी कर सकता है। सपोज कीजिए मैंने एन नॉट क्या ले लिया? 1000 ले लिया। एन नॉट को मैंने क्या ले लिया? 1000। अब मैं एन को चूज कर लेती हूँ सपोज कीजिए 1005, और एम को चूज कर लेती हूँ सपोज कीजिए 1003। तो ए एन माइनस ए एम क्या होगा? ए एन भी क्या होगा? 0.00 समथिंग, क्योंकि ए एन क्या हो जाएगा? 1/1005, 0.001 समथिंग। ऐसे ही ये भी 0.001 समथिंग, कुछ भी इस टाइप का। तो इनका जो डिफरेंस है आपस में वो क्या है? लेस देन एप्सिलॉन। आपस में बहुत ही कम डिफरेंस है। जैसे जैसे टर्म्स बढ़ रही है किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद की सारी टर्म्स, उनका जो डिफरेंस है आपस में क्या है? बहुत कम है। यही तो है ये कॉशी सीक्वेंस, कि जैसे किसी एक एन एम ग्रेटर देन एन नॉट, एन नॉट के बाद की जितनी भी टर्म्स है उनका आपस में डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल नंबर ग्रेटर देन जीरो, है ना? कि आपस में जो डिफरेंस है वो क्या है? क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है। इसी बात को हम और कैसे लिख सकते हैं? ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन। बात वही थी। अब ये ए एन प्लस पी माइनस ए एन भी क्या हुआ? सपोज कीजिए ये ए एन है, यहाँ पे ए एन प्लस पी होगा। बात तो वही हुई कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद की सारी टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है। सो दिस इज कॉशी सीक्वेंस। और हमने इस एग्जाम्पल से देखा भी सही कि क्या है, कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद की सारी टर्म्स का जो डिफरेंस है आपस में दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम है, मतलब कि क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है। सो दिस इज कॉशी सीक्वेंस। अब हम ये देखेंगे कि अब ये तो हो गया, हमने सिर्फ ऐसे देखा, बट अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ए एन इज इक्वल टू 1/n प्रूव दैट इट इज कॉशी, तो आपको प्रूफ कैसे करना है? ए एन को लेके आपको क्या दिखाना होगा? आपको ये दिखाना होगा एन एम ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एन नॉट। तो लेट्स सी हाउ डू वी प्रूव दैट। सो नाउ वी हैव दिस एग्जाम्पल ए एन इज इक्वल टू 1/n, और हमने इसको प्रूव करना है कि ये एक कॉशी सीक्वेंस है, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या होती है? ए एन माइनस ए एम फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एन नॉट। ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एन नॉट। ओके, ये तो हो गई कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन। ओके, यहाँ पे ये सिंस ये मॉड है तो आप किसी को भी बड़ा और किसी को छोटा कंसीडर कर सकते हो। कंसीडरिंग एन इज ग्रेटर देन एम, यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? कि जो एन है वो एम से बड़ा है, ठीक है? ए एन माइनस ए एम ले रहे हैं। ओके, अब बात आती है किसकी? जब हमने ये प्रूव करना है तो हम स्टार्ट करते हैं। ए एन क्या दे रखा है? 1/n। सिंस वी नीड टू प्रूव द सीक्वेंस इज कॉशी, तो हम क्या निकालेंगे? 1/n माइनस 1/m निकालेंगे। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया दैट मींस क्या होगा? ये जो सीक्वेंस होगी ये कॉशी होगी। और जब जैसे कि हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हाउ विल यू प्रूव द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है? उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इफ यू नीड। ओके, तो ये देखिए ए एन माइनस ए एन, बिल्कुल हम ये भी वैसे ही प्रूव करेंगे। 1/n माइनस 1/m ये आ गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है? आपने ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। यहाँ पे हर मोस्टली हर क्वेश्चन में आपकी ये इनइक्वालिटी यूज होगी, और आपको ये भी पता होता है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए प्लस बी, है ना?
ये सारे इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी हुई हैं और यहाँ पे यही यूज होनी है आपकी. ओके तो लेट्स स्टार्ट दिस. ये हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, किससे होगा 1/n + 1/m. ये किससे होगा 1/n + 1/m. दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस. ये आ गया. अब हमने क्या करना है, इसको किसी भी आइदर वी कैन से कि फॉर ऑल n m हम दोनों के लिए भी ले सकते हैं. कैसे, देखिए दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन ए एन माइनस ए एम इज लेस विल बी लेस देन एप्सिलॉन इफ 1/n क्या हो जाए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, 1/m क्या हो जाए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, है ना. और यहां पे क्या हो जाए दैट इज n इज ग्रेटर देन 2/ε फॉर और m इज ग्रेटर देन 2/ε. अगर हम ऐसा ले ले n और m को तो ये क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. या फिर आप क्या कर सकते हो, हमने क्या कंसीडर किया है कि n जो है m से बड़ा है, सिंस n जो है वो m से बड़ा है, 1/n छोटा हो जाएगा 1/m से. इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होगा होगा हम दो पे कंडीशन ना लगा के क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल पे कंडीशन लगा देते हैं. 1/n जो हो जाएगा 1/m से छोटा हो जाएगा. दिस इंप्लाइज ए एन माइनस ए एम इज लेस देन इक्वल टू. अब ये 1/n छोटा है तो मैं यहाँ पे 1/m की जगह 1/m ले, तो टर्म क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी इज इक्वल टू 2/m. ठीक है, ए एन माइनस ए एम इज लेस देन इक्वल टू 2/m आ गया. इसका मतलब सो आप लिख सकते हो ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 2/m इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज m इज ग्रेटर देन 2/ε. सो ए एन आपने जो भी m चूज करना है वो क्या चूज करना है 2/ε से बड़ा. अगर आप ऐसा चूज करोगे तो सीक्वेंस आपकी क्या होगी कॉशी होगी. हेंस ए एन इज कॉशी फॉर ऑल m ग्रेटर देन 2/ε या फिर फॉर ऑल n m ग्रेटर देन m नॉट होता है ना, यही होती है कंडीशन आपकी a n माइनस a m इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन n नॉट. तो n m की जगह हमने सिर्फ m ने लिया है एक वेरिएबल में और n नॉट हमारा क्या आ गया 2/ε. यू जस्ट नीड टू चूज n नॉट, कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन हमारे इसी टाइप से होंगे. हम a n माइनस a m लेंगे, उसको इनइक्वालिटी से इस टाइप में लेके आएंगे और फिर दोनों वेरिएबल से एक वेरिएबल में रिड्यूस करेंगे और हेंस एन इज कॉशी. ठीक है, सो नाउ वी कम टू एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1. सिमिलर हमने इसको क्या प्रूफ करना है कि ये कॉशी है. कैसे प्रूफ करेंगे हम, ए एन माइनस ए एम निकालेंगे. ओके ए एन माइनस ए एम क्या होगा एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1. ओके सो सॉल्विंग दिस व्हाट विल वी डू, टेक एलसीएम. ओके नाउ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर. नाउ वी हैव एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं 1 माइनस करते हैं. ओके नीचे क्या है एन स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस 1. अगर हम माइनस यहां से कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1. नाउ वी हैव इसके अपॉन में ये करेंगे तो वी हैव एम स्क्वायर प्लस 1 ओके माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1. सेम आ गया मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, ये इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी. ओके नाउ वही अब क्या, तो हम दोनों पे इनइक्वालिटी दोनों पे ले सकते हैं कंडीशन या फिर एक में रिड्यूस कर सकते हैं. सिंस एन इज ग्रेटर देन एम कंसीडरिंग या फिर सिंस एन इज ग्रेटर देन एम, अगर ऐसा है तो 1/n या फिर पहले यही कर लीजिए एन स्क्वायर ग्रेटर देन एम स्क्वायर
n square plus 1 greater than n square plus 1. 1 upon less, n square plus 1 is less than 1 upon m square plus 1. अब इसको अगर हम दोनों को m square plus 1 से replace कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 upon m square plus 1. तो an minus सेम वही लिखेंगे, यहां कर देते हैं, ठीक है. an minus am is less than epsilon if, या फिर इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, is less than 2 upon m square. थोड़ा सा और रिड्यूस कर देते हैं, डिनोमिनेटर क्या कर दिया, छोटा कर दिया, टर्म बड़ी हो जाएगी. इफ 2 अपॉन m स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 बाय एप्सिलॉन, m इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2 बाय एप्सिलॉन. तो n नॉट आपको क्या मिल गया, अंडर रूट 2 बाय एप्सिलॉन. ओके, सो हेंस an इज कॉशी. बहुत सिंपल था एग्जांपल, बहुत ही सिंपल है. आपके पास an है, an माइनस am को आपने कैलकुलेट करके आप इसी दो वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं. इधर इसको भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा कर लो, इसको भी, तो दो पे कंडीशन आ जाएगी जैसे कि होती है. या फिर एक वेरिएबल में रिड्यूस करके ऐसे सॉल्व कर लो तो ये कंडीशन आ जाएगी. ओके, सो नाउ कम टू थर्ड एग्जांपल. नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 3. दिस इज an इज इक्वल टू cos 1 बाय n. वी नीड टू प्रूव दैट सीक्वेंस इज कॉशी. तो आप क्या लेंगे, an माइनस am क्या हो जाएगा, cos 1 by n माइनस cos 1 by m. ओके, cos c माइनस cos d, क्या फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाय 2 sin d माइनस c बाय 2. यही होता है, अप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2 साइन c प्लस d, दैट मीन्स 1 बाय n प्लस 1 बाय m बाय 2 साइन d माइनस c बाय 2. ओके, अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, देखिए हमें लिंक करके, अब हमें इतना तो समझ आ गया है, दो एग्जांपल हमने कर लिए हैं, कि लिंक करके 1 by m plus 1 by n की फॉर्म, या फिर सीधा उसको और शॉर्ट करके 1 by m की फॉर्म में लेके आना होता है. अब हमें ये तो दिख रहा है 1 by n plus 1 by m यहाँ पे है, अब हम बट यहाँ पे किसके साथ है, साइन के साथ है, तो हमने इसको कैसे रिड्यूस करना है, कैसे रिलेशंस लेके, इनइक्वालिटीज लेके कैसे इसको रिड्यूस करना है, ये हम देखेंगे. देखिए जो मॉड साइन एक्स होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, ये हमें पता है, ठीक है. मॉड साइन एक्स हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि जो साइन एक्स होता है हमेशा माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करता है. ओके, और मॉड साइन एक्स किससे छोटा होता है, मॉड एक्स से छोटा होता है. ये दो इनइक्वालिटीज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. ओके, अब हमने इन दो इनइक्वालिटीज को यूज करना है. ये क्या है, 2 मॉड साइन 1 बाय एम प्लस 1 बाय एम बाय 2 साइन 1 बाय एम माइनस 1 बाय एन बाय 2. अब प्लस वाले की जगह पे हम अगर यूज कर लें सिर्फ ये वाली सेकंड वाली इनइक्वालिटी और माइनस वाले को 1, आप यूज किसी की प्लेस पे भी कर सकते हो, रिजल्ट लास्ट में वही आएगा. अगर आप 1 बाय एम माइनस 1 बाय एन लोगे तो इनइक्वालिटी से लेस देन इक्वल टू 1 बाय एम प्लस 1 बाय एन हो जाएगा, इससे भी वही होगा. तो हम क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू 2 इसकी जगह यूज कर लेते हैं सेकंड इनइक्वालिटी. मॉड साइन एक्स किससे छोटा होता है, मॉड एक्स से, 1 बाय एन प्लस 1 बाय एम बाय 2 से, ठीक है. और साइन एक्स, मॉड साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हमने यूज कर लिया 1, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 1 बाय एन प्लस 1 बाय एम, है ना, 1 by n plus 1 by m is less than equal to this. अब ये less than equal to, ये तो वही condition आ गई जो हर बार आती है हमारी, less than equal to हम इसको m जो है वही same चीज की, n जो है m से बड़ा है, 1 by n less than 1 by m, यही concept use करके less than equal to 2 by m, then this implies an minus am is less than epsilon if 2 upon m is less than epsilon, that is
m greater than 2 by epsilon. Hence, an is Cauchy. और n not आपको क्या मिल गया 2 by epsilon. ठीक है, तो इनको similarly cos 1 by n की जगह पे sin 1 by n लेके भी आप बहुत easily solve कर सकते हैं. ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है. और आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं. कॉशी सीक्वेंस एक्चुअल में होती क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद के सारे नंबर्स का साई सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्साइलन है. ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक क्लियर हो रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है. डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछिए. ओके, और सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स के बहुत सारे टॉपिक्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स के बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं रियल एनालिसिस में. इसके अलावा मॉडर्न अलजेब्रा में भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.